ठीक है, थैंक यू। ठीक है एक बुजुर्ग है जिनको हम ये महाना लंगरे हुसैनी हमारे रजाकार पेश करते हैं। मैं चूंकि पाकपतन में था तो मैंने चाहा कि खुद इनको पेश करूं। ये बाबा जी को फालिज है, ये इनकी घरवाली है, तो तय के अखराजात मुश्किल हैं, तो एक मन आटा जो है हमने पेश किया। बाकी रजाकार जो हैं वो चावल, चीनी, चाय और जो है वो बाकी सामान जो ला रहे हैं। ये गरीब लोग हैं बेचारे, दोनों मियाँ बीवी हैं, तो ये इनका सिलसिला। चूँकि मेरे पास टाइम थोड़ा था तो सर्दी है, लेकिन रात को भी इन तक हमने कहा कि ये राशन पहुँचा दे, और इंशाल्लाह ये दुआ भी करेंगे, बोल नहीं सकते फालिज की वजह से, तो इन गरीबों को जो है वो ये राशन पहुँचाना। और ये सुन्नत है हमारे आका मौला की और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की, कि वो भी इसी तरह से खिदमत और इंसानियत की खिदमत है ये केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन। और ये लंगरे हुसैनी है जो इन गरीबों तक पहुँच रहा है। तो आपकी जो अमानत है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह और भी कई ख़ानदान हैं जिन तक हम हमारे रजाकार उनके घरों तक जाते हैं, ये खुद नहीं चल सकते, तो ये हम इनका, मेरा इरादा है कि इनका इलाज करवाया जाए, इलाज दवाई। हाँ देखो ये कह रहे हैं इलाज, तो चूँकि फंड्स की कमी है, अगर फंड्स हो तो इरादा है कि इसको डॉक्टर के पास भी भेजा जाए बाबा जी को, और ये इनका इलाज भी हो सकता है इलाज। ये अभी उंगलियाँ सीधी नहीं होती, तो ये कितने खुश हुए जब मैं आता हूँ तो बड़े खुश होते हैं। मान लीजिए हैं, इनके ये पर्दे देखिए, अभी प्लास्टर होने वाला इनका घर है। अब सर्दी, अब सर्दी आ गई, दरवाजे लगना की करिए नहीं गुंजाइश नहीं है। हां अब आप देखें ये सर्दी है, सर्दी आ गई है, तो ये दरवाजे नहीं है कि ये दरवाजे नहीं लगा सकते। मैं कह जी ने गरीब आदमी की करिए नहीं, दरवाजे लगे 2-3 साल होगन, बस इवें ही रात थले सट दे, सुबह चुक के उदा बन छी दे, इतने और थे पैंदा इतने बह। हां तो ये देखिए मेरी मेरी भी नजर ये बन कैसे का तो दरवाजा आ रही है। ये देखिए सामने ये पाक पता शहर आपको नजर आ रहा है, ये सामने ये ढक्की है, बाबा फरीद की ढक्की कहलाती है। सामने आप देखें ये पाक पतन का शहर है और ये हालत है। अब जब सर्दी आएगी तो इन बेचारों के लिए तो मैं इंशाल्लाह इनको कुछ फंड भी दूंगा ताकि इनकी सर्दियाँ अच्छी तरह गुजर जाएं। तो ये मरीज है, ये लंगरे हुसैनी जो है हम इनको पेश कर रहे हैं। तो ये हमने इनसे वादा किया था कि हर महीने इंशाल्लाह राशन, ये पाक पत्र में एक ये घर है जिन तक हम राशन पहुँचाते, इस तरह और सैकड़ों घर हैं, ये बेचारे कमाई नहीं कर सकते, तो हर महीने ये आटा चाय ये ले आइए। ये हमारे एक और भाई है, ये आप देखिए ये घी है और बकिया तोड़ना है, इस तरह घी है ये घर में जो है वो दोनों बीवी जो है इनकी। बस दुआ कर दो जिन्होंने दिता रमजान, दुआ कर दुआ जिंदाबाद। ये देखिए इनकी दुआ लीजिए, ये जो इनकी दुआएं हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनके पास कोई आने वाला नहीं है, लेकिन ये सफेद पोश है, मानते भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता खा लेते, लेकिन इन तक लंगरे हुसैनी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से इन तक हमने ये राशन पहुँचाया है। ये नाज़रीन कराम ये दोनों मियाँ बीवी के लिए दूध के डब्बे हैं और अंदाज शेख में चाय, और ये जो है इसमें आप चीनी है, चावल है और इसी तरह से चाय है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये इनके लिए हमने सामान, ये एक महीने का राशन इनके लिए है और ये लंगरे हुसैनी ठीक है, हाँ जो इन हज़रात ने दिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये दुआ भी करेंगे और आपका शुक्रिया। इस तरह 2-3 और घर जिनमें मैं जा सकूँगा, बाकी हमारे रजाकार हैं जो उनके घरों में जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम एक और हमारे ये भाई हैं जिनके हालात ठीक नहीं है, आप कमरा देख रहे हैं, हम ये हमारी अम्मा जी हालत ठीक नहीं है, जिनके घर पर हम ये ले हैं ये आटा, और ये आप देख रहे छोटा सा घर है, तो उसमें आटा है, एक मान आटा है और ये दूध है,
और इस तरह घी का एक डब्बा है और इस तरह की बाकी सारा राश उसमें चीनी चाय वगैरह है। तो ये हमारे क्या की हाल है थोड़ा इलाज की हाल जिसमें जो दर्द है मोटे च दर्द आता है वो दर्द अच्छा बहुत तकलीफ है रात को भी टूट को कोई का कच कच सी मेरे इलाज से कोई नहीं कर रहे हो सभी अच्छा इलाज दा भी करना है ये इनको इलाज भी चाहिए तो ये आप हजरात जो हैं इनके लिए राशन दे रहे हैं लेकिन मजीद हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे असल दमे के मरीज टीबी के या कैंसर के मरीज उनका जो इलाज यहाँ पाकिस्तान में काफी मुश्किल है तो फालिज जो है तो ये हमें हर महीने जो आपकी अमानते राशन जो है वो इनको पहुँचा रहे हैं तो ये एक फैमिली ये है जिनके घर में ये हमारे रजाकार जो है यहाँ राशन पहुँचाते हैं तो इन ये भी दुआ करेंगे आप जिन्होंने दिता बस दुआ करो तुम दुआ करो अल्लाह ये है वो गरीब लोग जिनकी दुआओं से इंशाल्लाह आपको बरकत मिलेगी तो अल्लाह ताला आपका दिया हुआ कबूल और मंजूर फरमाए जी नाज़रीन का एक और जो लंगर हुसैनी का एक और घर है जिसमें आप देख रहे हैं ये हमारे आई हैं लेकिन पहले आए थे तो रिलेटिव हुए थोड़ा बहुत चल सकते हैं हम ये बैठे हुए और इसमें भाई ने थोड़ा बहुत भी अपना सामान रखा हुआ है और उससे आप देखिए क्या सिलसिला हो सकता है खुद तो पका भी नहीं सकते लेकिन ये आटा है और चाय है चीनी है दूध है चावल है तो ये हमने सिलसिला इसलिए कि हर महीने अगर इन गरीबों का थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी ये घी है आप देख रहे हैं ये दो आटे की बोरियाँ एक मान है ये दूध है और इसमें चावल चीनी मिसाला दालें चाय वगैरह है और इस का एक महीने का सिलसिला हमारे भाई का नाम क्या पड़ा अहमद 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 की तबीयत का क्या हाल है और बाकी ठीक है मरस तो नहीं मरे तो है नहीं ये मोहम्मद अहमद इनका नाम है रहमान क्लिनिक लेबॉरटरी से तो ये अभी चेहरे पर भी इनकी अब सूजन है और यकीनन ये पैरों पर भी सूजन रहती है पांव पर भी सूजन है चल भी नहीं सकते तो इंशाल्लाह ताला हम इलाज का जो एक तहरीक है कि इलाज भी कराएं जो गरीब लोग हों एक महीने का जो राशन है ये हमने शुरू किया हुआ है इसका नाम लंगर हुसैनी है नवासे रसूल की निस्बत से तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और ये है वो गरीब लोग जिनकी दुआएं यकीनन दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता अल्लाह पाक की तरफ से होती तो ये हमारे मोहम्मद भाई जो है वो दुआ भी करेंगे और यकीनन इनकी दुआएं जो है वो बरकत हासिल होंगी हम सबको मैं भी चलकर इसलिए आया हूँ कि ये अमानतें जो है इन तक पहुँचाई जाए तो ये हर महीने जो है इंशाल्लाह ताला आटा और चीनी और चावल जो है इनको पहुँचाते रहेंगे और हमारे यहाँ रजाकार हैं जो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपकी अमानतें जो है यहाँ तक पहुँचाए रहेगी एक तहरीक है मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो गरीब बेचारे कमाते भी हैं लेकिन आमदनी इतनी थोड़ी है कि बच्चों का ख्याल भी नहीं कर सकते तो जो बिल्कुल ही नहीं कमाते बेचारे मजदूर हैं और यहाँ पाकिस्तान में हालत ये है कि जो बड़े लोग हैं उनके कुत्ते भी मक्खन खाते हैं एयर कंडीशन कमरे और गरीब बेचारों के बच्चे जो हैं उनको साफ पानी नहीं मिलता तो ये हमने एक सिलसिला शुरू किया और यही इस्लाम है इस्लाम की रूह ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए तो इंशाल्लाह ये मोहम्मद भाई भी दुआ करेंगे और मोहम्मद अहमद भी दुआ करेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला मजीद आगे मैं चाहता हूँ कि हज़ारों घरों तक हम इस तरह से जो है वो पहुँचाते रहें तो इंशाल्लाह इसके इनके इलाज के लिए भी मैं कुछ कोशिश करूँगा कि इनको जो है वो तैयार पेश किया जाए।